गहरा पानी, मतलब भारी है पानी यार। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और आज तुम्हारा भाई आया है पूल पार्टी करने अपने दो तीन फ्रेंड के साथ, और मैं हूँ आज दुंगापुर के होटल रिव्यू में। ठीक है, इसका प्राइस वैसे तो 100 रुपीज़ था, बट इन लोगों ने पता नहीं अपने कमीशन के चक्कर में 150 कर दिया पर पर्सन, तो मैंने 450 दिया 3 पर्सन का। और मेरे साथ दो जने और हैं, मेरे साथ ही हैं, तो बस देर नहीं करूँगा, ज्वाइन करते ही सीधा पूल में और दिखाता हूँ आज पूल इन्जॉयमेंट पूल पार्टी का। तो ठीक है, चेंज कर लो। और मेरे साथ दो जने और हैं, तो एक है सचिन और एक है संजय, दोनों मेरे साथ काम ही करते हैं, तो मिलाता हूँ एक बार चेंज कर। भाई फुल एंजॉयमेंट, और ये कुछ और पार्टी आ रखी है भाई, फुल ऑन फुल पावर। पानी काफी भारी और चिल है इसके, काफी मजा आ रहा है भाई, फुल एंजॉय और फुल मजा। और ये है मेरे साथ सचिन, और ये है बाहर बेटा संजय, जो पानी से डर रहा अंदर नहीं आ रहा। ये कुछ होटल रिव्यू का नजारा भाई, क्या पे किया तुम लोगों ने, कितना पे किया? बुकिंग कर रखी, यूँ सही रहता 2 घंटे का 150 रुपया। 2 घंटे का 150 रुपया रोज आते हो? किसी दिन आ जाते हैं, हमको सपोर्ट करना, हम बात करने जाए अंदर। तो भाई ऑनलाइन बुकिंग करके मत आना, थोड़ा महंगा पड़ रहा है। नहीं, नहीं। और यूँ सिंपल में 150 रुपये में 2 घंटे क्या दिक्कत है, फुल एंजॉय मारो। तुम लोगों को खाना पीना भी तो दे रहा होगा कुछ? नहीं नहीं, 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 कुछ नहीं आपको, हमारा ले रहा है, हमसे ले रहा है वो पैसा। पैसा ऐसे बोलना पड़ता है। ये आ गया संजय पानी में, ये कुछ और वहाँ मेरी गाड़ी पार्किंग है, यहाँ पर ये है, ऊपर ग्रीन शेड डाल रखा है, पानी गर्म नहीं हो रहा है। कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद कि भाई साहब सुकून है, दिल खुश हो गया। मेरे फ्रेंड का केसर विला जयपुर का, उसका भी मुझे वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, मैं जाऊंगा। और अगर नहीं हो तो मैं उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें उन्होंने केसर विला का डाल रखा, अपडेट कर रखा है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा इस वाली वीडियो में, तो आप लोग उस पर भी विजिट कीजिए। और अगर जो जयपुर से हैं तो उस केसर विला पे जाइए, इन्जॉय कीजिए, वो भी काफ़ी शानदार बनाया मेरे भाई ने, आदित्य शर्मा नाम है उनका, और बहुत अच्छा केसर विला बनाया है, तो आप उसको भी एक बार विजिट कीजिए। और अगर आप उदयपुर से हैं और या डूंगापुर से, डूंगापुर के आसपास जिले से कहीं से भी हो, तो होटल रिव्यू जो अहमदाबाद रोड के लिए निकलता है वहाँ पे आ जाए, और 150 रुपये दिए और इन्जॉय करें जैसा मैं कर रहा हूँ। और मैं चला पानी के अंदर डुबकी मारने, और मोबाइल को रख रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर। अच्छा तू बोल ले, गिरो चालू करके फिर बोलना। ले फटाफट ले ले, आप भी गुजरों के साथ गुजर ले। One, two, three.
तुम दोनों की लुगाई देखेगी तुम मारो खूब मारेगी, इसलिए मैं शादी नहीं करता हूँ। एंजॉय करने के बाद मैं तो बाहर आके बैठ गया भाई, थक गया हूँ यार, काफी मजा आ रहा है। और अभी ऑर्डर दिया हमने वहाँ पर चाउमीन और बर्गर रखा, वो अलग है, सामने वो रहा उसका किचन, हमारा चाउमीन बर्गर वहाँ बन रहा है भाई। तो ब्रो भाई लोगों इन बंदों ने गेम शुरू करा है, एक टेनिस की गेंद है एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक रहा, उधर दूसरी टीम है इधर एक टीम है, और अगर अगर जिस बंदे का कैच छूटा वो कच्चा होता है, वो अपने पानी में कच्चा उतारेगा। हाँ कोई नहीं, वो कैच छूटने पे वो कच्चा उतारेगा। तो वो भाई अब तू सुमेर कच्चा उतार, मैं निकल के आ रहा हूँ। हाँ निकल गया, निकल गया, मैं निकल के आ रहा हूँ। सुमेर कच्चा उतार, कच्चा उतार, अंदर उतर रहा है देख लेना। हाँ अंदर उतार, अंदर उतार, इसका जिसका अगर कैच छूटता है वो बंदा अपना कच्चा उतार रहा है, ठीक है, पानी के अंदर। मैं दो बार उतार चुका हूँ। देखो ऐसा है भाई, कच्चा तो उतर रहा है, किसी गल टू वन कच्चा उतर, अच्छा हुआ बाहर नहीं उतर रहा, तो हमारे वेंटिलेशन दिख जाते हैं। हमारे जो वेंटिलेशन के लिए होल दिए हैं भगवान ने वो दिख जाते हैं। मेन बात तो ये YouTube कट कर दीजिएगा, वेंटिलेशन का मतलब कुछ और है भाई, तुम ये गलत मत समझा, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। और भाई अभी तक कैच नॉन स्टॉप चल रहे हैं। ले भाई अंशु उतार, कॉमेडी कर दो, ये उसने उतार दिया भाई, भैया जी इधर भाई कैच छूट दे, कच्चा उतार दियो भैया, हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है। एक और बताता हूँ, सुन सुन, मेरे को आ रही है सुसु, और भाई कर दो इसी में, ए नहीं मजा कर रहा हूँ। दिक्कत ये है, देखो सबसे अच्छी बात, देखो 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 सबसे अच्छी बात ये, इस भाई को आ रही सुसु, वहाँ खड़ी है वो गर्ल्स, और गर्ल्स इसलिए खड़ी है कि हम है पानी में, हम बाहर नहीं जा रहे, वो अंदर नहीं आ रही, हम चाहते हैं कि वो अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। दे आर चिक्स एंड वी वांट चिक्स इन वाटर, फुल पावर। तो भाई मैं दिखाता हूँ, ये भी यहाँ पर नहाने के लिए आई है, एंजॉय करने के लिए आई है, बट नहीं, ये मेरे कुछ सह पार्टी है जो मुझे यही मिले हैं, इसलिए वो कमर में डुबकी लगा रही है। ये मुझे यहाँ मिले कहीं और ना मिले। ओ भाई ने कैमरे पे पानी डाल दिया, ओ कोई नहीं, सैमसंग ने इतना तो दिया है कि हम वाटर प्रूफ रखेंगे इसको। और मैं काफी देर से पानी में लेके आऊँ, अगर बंद होता है तो सैमसंग केयर वाला देगा भाई, एक साल का इंश्योरेंस लिया है मैंने, मजे तो पूरे ही लूंगा मैं। और जानबूझ के तोड़ दो, नहीं जानबूझ के नहीं तोड़ूंगा, जानबूझ के नहीं तोड़ूंगा। ये भाई और पार्टी, अरे पार्टी चालू है भाई, कोई ना कोई सीन आई थिंक, मुझे लग रहा है वो जो लड़कियां हैं उन्होंने अपने किसी मिलने मिलाने वाले को या बॉयफ्रेंड वगैरह को बुलाया है, कुछ कुछ लग रहा है, बाकी मैं कह नहीं सकता भाई, जिस हिसाब से उनकी एंट्री हुई और जिस हिसाब से हम सबको लुकेट करा रहे, पर हमने कोई बदतमीजी करी ही नहीं, इसलिए हम सही है, हम हमारा एंजॉय कर रहे हैं, वो वहाँ खड़ी खड़ी रहे, हमारे क्या दिक्कत है। ऑलमोस्ट दो ढाई घंटे तो एंजॉय करने के बाद ये लोग लग गए अपना वोडका मिला के कोक में पीने, मेरे लिए तो भैया हराम है, मैं तो नहीं पीता। और मेरे और दोस्त सब पार्टी वो एंजॉय कर रहे हैं, और पूल में आ चुकी, वहाँ चल रहा साउंड म्यूजिक, तो भाई अब यहाँ पर एंजॉय करने के बाद मन कर रहा जाने का, नहीं भी कर रहा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जल परियों की बढ़ रही है और लड़कियाँ नारी थी, इसलिए मैं बाहर आ गया यार, और मैं बाहर आ गया हूँ, तो अब मैं इसलिए यहाँ से शायद थोड़ी देर बाहर ही बैठूँगा जब तक वो अंदर ना आएंगी, ठीक है, फीमेल है यार, फीमेल जाना है वहाँ नाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गया। बहुत देर से लड़कियों ने बहुत वेट करा, और वो मतलब वो कर रही थी, और मुझे जब पता चला ये आ गई है तो मैं बाहर आ गया, खैर कोई नहीं। तो भाई ऑलमोस्ट हो गया है, वो पर भाई बोल रहा है कि जाओ यहाँ से, आपका टाइम हो गया है, तो यार बड़ा घंटे नोट कर रहे हैं टाइमिंग, क्या बोल रहा है डेढ़ घंटा ज़्यादा हो गया, ये हो गया वो हो गया, बोले पचास पचास और दो, कोई नहीं, इसके बाद नेक्स्ट वो किसी और वाले में जाएंगे जहाँ पर अनलिमिटेड हो 200-300 में, कुछ ज़्यादा ही नहीं होता, और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी दिखा देंगे, ठीक है। और अब मैं लास्ट जाते हैं तो इनके साथ फिल्म ले लेता हूँ, फिर निकलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।